हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपना महिंद्रा 275 का, जो कि 4 साल हो चुका है मेरे पास और 3200 आवर्स कम्प्लीटली मैं इसको चला चुका हूँ, तो इसका एक ओनरशिप एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों को। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ट्रैक्टर नहीं लिए हैं तो ये आसान हो जाएगा कि आपको इस ट्रैक्टर को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इसका अच्छाई दोस्तों, उसके बाद इसका बुराई भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अच्छाई की बात करते हैं, तो सबसे अच्छा इसका मेरे को जो लगता है इसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगर इस ट्रैक्टर को अगर आपको बनवाना है तो कहीं भी ये ख़राब हो जाता है तो छोटे से छोटे दुकान में इसको कोई भी बना सकता है, क्योंकि बहुत पॉपुलर ट्रैक्टर है दोस्तों। लगभग 50% अकेला मार्केट कवर करता है, तो इस हिसाब से काफ़ी इसके पार्ट्स काफ़ी दुकान में अवेलेबल हो जाते हैं। या फिर इसकी सर्विसिंग कॉस्ट की भी बात करूँ दोस्तों, तो काफ़ी नॉर्मल सर्विस कॉस्ट है इसका, 2200 से लेकर 2800 के बीच बीच में इसका सर्विस हो जाता है इजीली। और इसी रेंज के और सारे ट्रैक्टर हैं, उसके बात करूँ तो और ट्रैक्टर इस रेंज में नहीं हो पाती। हालांकि ट्रैक्टर सेम रेंज का है, 39 HP का ही, कई सारे ऐसे ब्रांड हैं लेकिन उसका इस रेंज में सर्विसिंग नहीं हो पाती है। और तीसरी बात करूँ तो इसका सर्विस सेंटर, अगर आप सर्विस सेंटर भी इस ट्रैक्टर को लेके जाते हो कंपनी में, तो काफ़ी अच्छा बिहेव है दोस्तों इस कंपनी का। मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ इस चीज़ से कि काफ़ी अच्छा सर्विसिंग रिस्पॉन्स मिलता है। और इसकी रीसेल वैल्यू की बात करें तो दोस्तों, इसका रीसेल वैल्यू भी काफ़ी सही है। रात को 12 बजे भी अगर आप बेचने निकल जाते हो एक बात की बात, तो उस समय भी मना नहीं करेगा। अगर महिंद्रा 275 है, आप सामने वाले को बताते हैं और कंडीशन में ट्रैक्टर है, तो आँख बंद करके ले लेगा अगर उस बंदे को ट्रैक्टर की ज़रूरत है। तो यही कुछ इसका पॉजिटिव है दोस्तों, रीसेल वैल्यू, सर्विसिंग कॉस्ट और जो शोरूम में जो आपको बिहेवियर मिलेगा इसका, वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। नहीं तो कई सारे ऐसे ट्रैक्टर्स मैंने देखे हैं जिसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी तो क्या, वो जिस शहर में आप रहते हैं उससे 200 किलोमीटर दूर में भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो यही इसका पॉजिटिव है दोस्तों। और कुछ नेगेटिव भी आपको बताने वाला हूँ। इसका नेगेटिव मुझे एक चीज़ लगता है, इसका फ्रंट बम्पर, अगर आप कल्टीवेटर चलाते समय कहीं भी ठोक देते हो तो ये थोड़ा सा में ही पिचक जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा चीप लगता है, इसको थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता था। और दूसरा सबसे मेजर कमजोरी इस गाड़ी का है दोस्तों, वो है इसका गियर। अब एक गियर लगाने के बाद कितनों भी अच्छे से दो गियर लगा लो दोस्तों, वहाँ पे आपको साउंड आना ही आना है। लेकिन इसी रेंज में कई सारे ऐसे ट्रैक्टर्स हैं या फिर कई अदर कंपनी के ट्रैक्टर हैं जिसमें आपको मक्खन की तरह गियर लगता हुआ मिलेगा। काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं ऐसे जिसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो उस ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं और इस ट्रैक्टर को जो ड्राइव करते हैं, दोनों को जो ड्राइव करता है वो इस चीज़ को ज़रूर समझ सकता है। तो मेनली तो मेरे को यही इसका अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, पहला इसका जो होता है फ्रंट बम्पर और दूसरा इसका गियर, तीसरा इसका साइलेंसर भी थोड़ा सा वाइब्रेट करता है चढ़ाई वगैरह में, बाकी उतना चलता है। तो आज का वीडियो यही था दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, शुक्रिया, बाय बाय।